एनिमेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन एक बार फिर से जो है जेल जा सकते हैं। देखिए, उन्हें सजा में जो छूट मिली थी उनको लेकर अब याचिका दायर की गई है, जिसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाली है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बता दें, गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा दी गई थी। बिहार के नीतीश कुमार ने जेल नियमों में बदलाव किया था। जेल नियम वाले कानून में बदलाव होने से आनंद मोहन को लाभ मिला और वो रिहा हो गए। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दिवंगत डीएम की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि आनंद मोहन 16 साल तक कारावास की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए हैं। बिहार के पूर्व महागठबंधन सरकार की ओर से जेल मैनुअल में किए गए बदलाव का लाभ उठाकर आनंद मोहन सहित कई कैदियों को रिहाई मिली थी। इस सरकारी फैसले का विरोध करते हुए दिवंगत डीएम की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को ही होनी थी, लेकिन उस दिन किसी कारण नहीं हो पाई। लेकिन दिवंगत जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। वहीं 6 फरवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में थाने पर हाजिरी देने का आदेश दिया था। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है। अब इस मामले में सुनवाई होनी है। को बताते चले कि 1994 में बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को दोषी ठहराया गया था, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था। वहीं आनंद मोहन लगभग 16 वर्षों तक जेल में रहे, उसके बाद बिहार सरकार द्वारा कानून में संशोधन कर जेल नियमों में परिवर्तन किए जाने के बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो सकी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अहम सुनवाई आज होनी है। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो देखिए, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आज फिर से आनंद मोहन के केस की सुनवाई होने वाली है, जो उनके सजा में छूट मिल गई थी, उनकी रिहाई हो गई थी। अब इसको लेकर जी कृष्णैया की जो पत्नी है उन्होंने याचिका दायर की थी और इस पर आज सुनवाई होनी है। और क्या आनंद मोहन फिर से जेल जाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।